ये पूरा भीड़ बता रहा है कि हम जीत चुके हैं, ये भीड़ बता रहा है कि हम जीत चुके हैं। मेरा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ, मैं एज ए प्रेसिडेंट उम्मीदवार हूँ पटना विश्वविद्यालय का, जो चुनाव हो रहा हूँ मैं प्रेसिडेंट पद के चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे नेताजी आदरणीय श्री पप्पू यादव जी मेरी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जब मुझे प्रेसिडेंट पद का टिकट दिया। देखिए ये पूरा भीड़ बता रहा है कि हम जीत चुके हैं, ये भीड़ बता रहा है कि हम जीत चुके हैं। मेरा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ, मैं एज ए प्रेसिडेंट उम्मीदवार हूँ पटना विश्वविद्यालय का, जो चुनाव हो रहा है मैं प्रेसिडेंट पद के चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे नेताजी आदरणीय श्री पप्पू यादव जी मेरी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जब मुझे प्रेसिडेंट पद का टिकट दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे प्रेसिडेंट पद का टिकट मिलेगा। उन्होंने मुझे सिर्फ संघर्ष के लेकर मुझे चुना है और ये जीत सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के बेटा का होगा। एक एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो तमाम पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं मेट्रो फ्री करवाऊँगा, आने जाने की सुविधा फ्री करवाऊँगा और ऑडिटोरियम और एक बड़ा सा एक ऑडिटोरियम वीमेंस कॉलेज में कमांड करूँगा। और छात्रावास और वीमेंस कॉलेज की लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक छात्रावास हो जो 100% फ्री सुविधा हो, जो फ्री सुविधा हो, जो लड़कियाँ रह सके, जो बाहर की बहनें हमारी आती है जो रहने में उनको दिक्कत होता है, जो बाहर रूम लेकर रहते हैं, जो नागेश्वर कॉलोनी लॉज लेकर रहते हैं, उन्हें रहने में दिक्कत ना हो। और भी हमारे तमाम मुद्दा हैं जो मैं जिन पर मैं कहूँगा, जो पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और एक बहुत बड़ा सेमिनार भी। जब चुनाव हुआ था तो आप आपके पार्टी से ही चुनाव जीते थे मनीष जी, जी तो इस बार क्या परचम लग रहा है? देखिए इस बार साफ उठा के देख ले नजर, पूरा विमेंस कॉलेज से लेके मगध मेला, पूरा पटना लॉ कॉलेज से लेके पूरा रानी घाट कैंपस तक, या अम्बेडकर छात्रावास देख लीजिए, हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब जाति धर्म के लोग हैं हमारे पास, सब यही चाह रहे हैं संघर्ष का जीत हो, पूंजीपति को चोट हो और संघर्ष की जीत हो। मुझे अजय नेताजी पप्पू यादव जी मुझे संघर्ष के दम पे ही मुझे टिकट दिया, संघर्ष के दम पे ही मुझे प्रेसिडेंट पद का टिकट दिया। मेरी जीत उसी वक्त सुनी थी, मैं आदरणीय पप्पू यादव जी मैं दिल से शुक्रगुजार करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। देखिए वो चुनाव में आए या ना आए पर उनके साथी उनके सिपाही उनके लिए ही उनके लिए काफ़ी हैं, वो आए या ना आए उनके सिपाही हम लोग काफ़ी हैं उनके लिए। पूरा कॉलेज कैंपस लीड कर सकते हैं पप्पू यादव सर, आए या ना आए पूरा कैंपस लीड कर सकते हैं उनके लिए। जी मनीष भी आए हुए हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, हर बच्चों से मिल रहे हैं, हर संगठन हर 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 छात्रों से मिल रहे हैं, हर बहनों से मिल रहे हैं, हर वो स्टूडेंट से मिल रहे हैं जिनको वो मदद किए हैं, जिनके लिए वो लड़े हैं, जिनकी जरूरत के अनुसार वो खड़ा रहे हैं। जी क्या मुद्दा है इस बार आपका? मुद्दा देखिए मैंने बता दिया, पटना का जो मेट्रो बन रहा है, जितने पटना विश्वविद्यालय आपने छात्रों के लिए मेट्रो फ्री करवाया, छात्रावास जी छात्रावास है कि चुनाव जीतने के बाद ये सब करवाएंगे? जरूर होगा। हमने देखिए जब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मांग आया था तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी साइंस कर रहे थे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे संगठन के लोग उस वक्त नरेंद्र मोदी का विरोध करने का काम किया था पटना साइंस कॉलेज में। और वही जेपी नड्डा जी जब पटना कॉलेज आए उस वक्त भी हम और हमारे संगठन के लोग उनके गाड़ी रोक कर उनसे मांग किए थे कि पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दिया। और अब विधानसभा का वो डिबेट देख लीजिए जिसमें मैं एज ए दीपांकर मैंने डिबेट में बोला कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए। जी मैं लड़ूंगा, मैं संघर्ष के करने वाला बेटा हूँ, मैं एक दलित का बेटा हूँ, मैं संघर्ष का बेटा हूँ। जी एक सवाल है कि आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, जदयू के भी उम्मीदवार हैं, आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो कैसे आप उनको मात देंगे? देखिए मात सिर्फ इतना ही कहेंगे, अपने छात्रों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, छात्र छात्राओं जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगी। देखिए जो भी लोग आ रहे हैं आपके चुनाव के बीच में, चाहे वो पैसे के दम पे आ रहे हैं, चाहे गोली बारूद के दम पे आ रहे हैं, कुछ हॉस्टल के लोग हैं सामाजिक तत्व जो गोली बारूद के दम पे आ रहे हैं, कुछ पैसे के दम पे आ रहे हैं, कुछ बिरयानी बांट रहे हैं, मैं कहूँगा वो बिरयानी चंद सेकंड में ख़त्म हो सकता है, वो पैसे चंद सेकंड में ख़त्म हो जाए, मगर जो संघर्ष करके जीतेगा वो आएगा, वो आपके लिए पैदल चल के भी आएगा आपका मदद करने के लिए, वो ऑडी फॉर्चुनर से कभी उतर के आपके बीच नहीं आएगा मदद करने के लिए। मैं छात्रों को यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी आँखें खोलें, ये विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश में लगे, मैं संघर्ष करके जीतूंगा और जीतते हैं हमारी। दीपांकर प्रकाशन का साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव जो है हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है
और साथ ही साथ जो पिछले बार चुनाव के अध्यक्ष रहे मनीष जी, वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि पप्पू यादव लगातार संघर्ष का वो निशानी है, पेपर कटिंग देखिए, उस संघर्ष का निशानी उसे कैमरा में दिखाइए, वो 7 सालों का संघर्ष का मेहनत है, हमने संघर्ष किया। आज हमारी माँ भी बीमार है, मेरी माँ को डेंगू हुआ, फिर भी हम यहाँ मैदान में क्यों, क्योंकि मैंने 5 साल जब मैंने नहीं संग मैंने कॉलेज विश्वविद्यालय छोड़ा, छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहा, तो अब मैं क्यों घर छोड़, मैं अब क्यों विश्वविद्यालय छोड़ू, मैं छात्रों के लिए लगातार लड़ा हूँ, मैं लगातार लड़ा हूँ। मेरे पिछले शासन में यही किया कि मगध महिला को, वो मगध महिला को बड़ा बड़ा छात्रावास दिया, जब से पहले वो चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री से मिल के उन्हें एक कमीशन की पढ़ाई का विश्वविद्यालय किया मांग की और वोकेशनल की पढ़ाई शुरू की। ये जीत इस बार सुनिश्चित है, ये जीत सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की होगी, इसके बाद कोई नहीं आ सकता। इस बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, धन्यवाद।